पाकिस्तान में एक नई सेना ने वहां के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लाखों की तादाद में टिड्डियों का ये दल पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत बन गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ रही है। इस हरे रंग के पेड़ पर हजारों लाखों टिड्डियां चिपकी हुई हैं, जिनकी वजह से पेड़ की पत्तियों का रंग हरे से भूरे रंग का हो गया है। जिन खेतों पर हरी फसलें लहराती थी, आज वहां पर फसलों को चट करते टिड्डियों का झुंड है। लाखों की तादाद में इन टिड्डियों ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान में टिड्डी सेना का इतना आतंक है कि उनसे बचना, अपनी फसलों को बचाना किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने बड़े पैमाने पर टिड्डियों के हमले के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। इन टिड्डियों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पूरी तरह से फसलों को बर्बाद कर दिया है। इस संकट से उबरने के लिए पाकिस्तान को 730 करोड़ रुपए की जरूरत है। पीएम इमरान खान ने टिड्डी पर काबू पाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी है, ताकि टिड्डियों के आतंक से निपटा जा सके। टिड्डियों की यह सेना पाकिस्तान में ही नहीं, भारत में भी आतंक मचा रही है। रविवार शाम को पंजाब के फाजिलका के सरहदी इलाके में टिड्डी सेना ने अटैक किया। खबर मिलते ही अधिकारियों ने रात को ही गांव में एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए। ट्रैक्टर से खेतों में स्प्रे किया गया, भारी संख्या में टिड्डियों को मारा गया, लेकिन इनकी संख्या इतनी है कि पूरी तरह काबू पाना मुश्किल हो रहा है। किसानों का कहना है कि करीब 1000 एकड़ में खड़ी फसल को टिड्डियों के झुंड ने नुकसान पहुंचाया है। जो इसका हल है वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रे करने से होगा। तो हमारी यही मांग है कि ट्रैक्टर में जो स्प्रे पंप है उससे नहीं, ये फायर ब्रिगेड से ही कंट्रोल होगा। फायर ब्रिगेड यहाँ पे भेजी जाए, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, शहर है जहाँ पे फायर ब्रिगेड है, वहां से भी फायर ब्रिगेड यहाँ पे मंगा के करी जाए। खेतों में छिड़काव के जरिए टिड्डी पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इंतजाम करने में जुटे हैं। आप पीछे एक और घुमाएंगे, मैं रिक्वेस्ट है आप एक और पीछे की तरफ घुमाएं, देखो टिड्डी दल जा रहा है कैसे करोड़ों की तादाद के अंदर घूम रहा है। तो ये सारों ने हमारे यहाँ पे लगभग 800 से लेकर 1000 एकड़ के करीब हमारा जो है बारिका गांव के अंदर सरसों और तारामीरे का नुकसान किया है, और लगभग 200 से 250 एकड़ पीछे रूपनगर के गाँव के अंदर ये नुकसान करती है। टिड्डियों के आतंक को खत्म करने के इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। आसमान में उड़ रहे करोड़ों की तादाद में टिड्डी दल को देखकर हर कोई दहशत में है।